दोस्तों, आजकल महिलाओं को सफ़ेद प्रदर की ज़्यादा ही शिकायत हो रही है। बहुत सी महिलाएं सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज से परेशान रहती हैं। वे इसके बारे में किसी को बताने से भी हिचकिचाती हैं। वैसे कई लोग डॉक्टर के पास इलाज करवाने भी जाते हैं, लेकिन उनका भी स्थायी इलाज नहीं हो पाता, है ना, जड़ से उनका इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको घरेलू नुस्खा ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ल्यूकोरिया है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, वो नहीं होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको खान पान पर ध्यान देना होगा, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान सा होम रेमेडी बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको 100% फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला उपाय है कि आप केला खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, पका हुआ केला जिसमें काले काले धब्बे आ जाते हैं, इस तरह का केला आपको लेना है। और सुबह एक केला और शाम को एक केला खाना है। और केला खाने के बाद आपको लेना है एक कप दूध, इसमें डालना है एक चम्मच देशी गाय का घी और मिठास के लिए मिश्री मिला देना है और इसे पी लेना है। दिन में 2 बार ऐसा करना है, सुबह और शाम। सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले ले लीजिए और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले लीजिए। इस तरह अगर 2 बार आप लेते हैं तो 2-3 दिन में ही लिकोरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और लिकोरिया की वजह से शरीर में जो कमजोरी है, थकान है, आलसपन है, तो वो भी दूर हो जाने वाला है। इसके अलावा आंवला को डाइट में शामिल करें। किसी भी रूप में आंवला जरूर डाइट में शामिल कीजिए। आंवला गुणों का खजाना होता है। आप आंवला मुरब्बा खा सकते हैं, या फिर आपको फ्रेश आंवला मिल जाए, फ्रेश आंवले का जूस मिल जाए, तो क्या ही कहने, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको फ्रेश आंवला मिलता हो तो 1-2 आंवला ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए। और आपको फ्रेश आंवले का जूस मिलता हो तो 30 से 40 ml जूस रोजाना सुबह खाली पेट पी लीजिए। अगर आपको कुछ ना मिले तो आंवले का चूर्ण लीजिए 1 चम्मच, और इसे 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार लेना है। एक सुबह लेना है, एक खुराक शाम को लेना है। दिन में 2 खुराक आंवले को शहद के साथ लेने से भी लिकोरिया की समस्या 7 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाती है। और लिकोरिया की वजह से जो कमजोरी है, कमजोरी में भी आपको फायदा मिलता है। अगर आप आंवले चूर्ण की जगह आंवला मुरब्बा खा सको तो और भी अच्छा है। इस तरह का आंवला मुरब्बा आपको किसी भी पतंजलि स्टोर में या फिर किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का ले आएगा आंवला मुरब्बा और रोजाना 1 आंवला मुरब्बा खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। अगर आप इस तरह से रोजाना लेते हैं तो भी आपको ल्यूकोरिया में फायदा करेगा। इसके साथ ही आप साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखें। बाजार में, मेडिकल में आपको वी वॉश मिल जाएगा या फिर इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे आप योनि की सफाई कर सकते हो। अगर आप नेचुरल तरीके से करना चाहूँ तो आप क्या कीजिएगा, 8 से 10 अमरूद के पत्ते ले लीजिए, ठीक है। इन पत्तों को साफ़ कर लीजिए और इसे 20 से 25 मिनट तक 1 से 1.5 लीटर पानी में डालकर उबाल दीजिए, है ना। धीमी आंच में उबाल देने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो उसे छान कर दिन में 2 बार इसे अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा डाइट की बात की जाए तो दही का इस्तेमाल करें। दही इस गर्मी के मौसम में रोजाना लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास खाइए। दही लिकोरिया में बहुत ही फायदेमंद होता है। दही में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है जो शरीर में संक्रमण को कम करती है। इसके साथ ही एक और उपाय बताता हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट है, गुलकंद। देखिए, यह गुलकंद है ना, गुलकंद आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा, ये आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1 से 1.5 चम्मच गुलकंद को आप ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए या फिर इसे दूध के साथ लीजिए। 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 1 से 1.5 चम्मच गुलकंद डालिए और इसे मिक्स करके पी लीजिए, जिससे भी ल्यूकोरिया में फायदा मिलता है। इसके अलावा आपको मसालेदार खाना कम खाना है, ऑयली खाना कम खाना है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, जंक फूड और बासी खाना, खासकर बासी खाना, जंक फूड तो आपको नहीं खाना है। फल फ्रूट्स आपको भरपूर खाने हैं, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट्स खा सको उतना ज़्यादा है आपके लिए। आप सीजनल फ्रूट्स खा लीजिए, अभी मस्क मेलन, वाटर मेलन खा सकते हैं, आप मैंगो खा सकते हैं, आम अभी सीजन आ गया है, आम भरपूर मात्रा में खाइए। आम को आप दूध के साथ ले सकते हैं, इसका स्मूदी बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के समय भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलते रहें और हल्के गर्म पानी से योनि मार्ग की सफाई करें ताकि बैक्टीरिया ना रहें। कॉटन अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करें और दिन में 2 बार अंडरगारमेंट्स को बदलें। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको होम रेमेडी बताए हैं, सारे के सारे रेमेडी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें से 2 से 3 रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। आपको 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपको 7 दिनों के अंदर रिजल्ट ना मिले तो इसे कंटिन्यू कम से कम 1 महीने तक जरूर कीजिएगा,
इससे आपको पुराने से पुराने लिकोरिया की समस्या, सफ़ेद की पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद ज़बरदस्त होम रेमेडी है। इसे लेने का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। शरीर में और भी फायदे दिखेंगे इसे लेने के। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और इस वीडियो को आप किस जगह से, किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं आप ये भी कमेंट्स में लिखिएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।